रसूलों के अमाल और उसका 26 बाब जो 32 आयात पर मुश्तमिल है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने लिए बोलने की इजाजत है। पौलुस हाथ बढ़ाकर अपना जवाब यूं पेश करने लगा कि ऐ अग्रिप्पा बादशाह, जितनी बातों के यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं, आज तेरे सामने उनकी जवाबदही करना अपनी खुशनसीबी जानता हूं, खासकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब रस्मों और मसलों से वाकिफ है। बस मैं मिन्नत करता हूं कि तहम्मुल से मेरी सुन ले। सब यहूदी जानते हैं कि अपनी कौम के दरमियान और यरूशलेम में शुरू जवानी से मेरा चाल चलन कैसा रहा है। चूंकि वो शुरू से मुझे जानते हैं, अगर चाहें तो गवाह हो सकते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे ज्यादा पाबंदे मजहब फिरके की तरह जिंदगी गुजारता था, और अब उस वादे की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था। उसी वादे के पूरे होने की उम्मीद पर हमारे 12 के 12 कबीले दिलो जान से रात दिन इबादत किया करते हैं। इसी उम्मीद के सबब से ऐ बादशाह, यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं। जबकि खुदा मुर्दों को जिलाता है तो ये बात तुम्हारे नज़दीक क्यों गैर मुतबर समझी जाती है? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फर्ज है। चुनाचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार कहनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकदसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था, और हर इबादत खाने में उन्हें सजा दिला दिला कर जबरदस्ती उनसे कुफर कहलवाता था। बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी हाल में सरदार कहनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था। तो ऐ बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हमसफरों के गिरदा गिर्द आ चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी जबान में ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? खुदावंद ने फरमाया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, लेकिन उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूं कि तुझे उन चीजों का भी खादिम और गवाह मुकरर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूंगा। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाए, और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकदसों में शरीक होकर मेरास पाए। इसलिए ऐ अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करे और खुदा की तरफ रुजू लाकर तौबा के मुआफिक काम करें। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूं और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशनगोई नबियों और मूसा ने भी की है, कि मसीह को दुख उठाना जरूर है और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। जब वह इस तरह जवाबदेही कर रहा था तो फिस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा, ऐ पौलुस, तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। पौलुस ने कहा, ऐ फिस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूं। चुनाचे बादशाह, जिससे मैं दलेराना कलाम करता हूं, ये बातें जानता है, और मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। ऐ अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूं कि तू यकीन करता है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू तो थोड़ी ही सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से सिर्फ तू ही नहीं, बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानिंद हो जाएं, सिवा इन जंजीरों के। तब बादशाह और हाकिम और बरनीके और उनके हम नशीन उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने लगे और कहने लगे कि ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। अग्रिप्पा ने फिस्तुस से कहा कि अगर ये आदमी कैसर के हाँ अपील ना करता तो छूट सकता था।